नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सिन्हा बोल रहा हूँ ऑल्ट न्यूज़ के माध्यम द्वारा। सितंबर की 5 तारीख को गौरी लंकेश नामक एक वरिष्ठ पत्रकार की गोली मार के हत्या कर दी गई। इसके बाद जो दक्षिणपंथी विचारधारा यानी कि जो राइटिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, उन्होंने उनको सोशल मीडिया पर बहुत बुरा भला कहा, बहुत जहर उबला। इसके बारे में हम लोगों ने आर्टिकल भी लिखा है ऑल्ट न्यूज़ पे। यहाँ जैसे कि आशीष मिश्रा है जो कह रहे हैं आफ्टर बुरहान वानी गौरी लंकेश आल्सो किल्ड हाउस हैड। अभी आशीष मिश्रा की जो प्रोफाइल पिक्चर है वो महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ है और उनको पीएम मोदी ट्विटर पे फॉलो करते हैं और ये गौरी लंकेश की तुलना बुरहान वानी के साथ कर रहे हैं। इसके बाद में निखिल दढ़िच है जो कह रहे हैं कि एक कुतिया कुत्ते की मौत क्या मरी, सारे पिल्ले एक सुर में बिलबिला रहे हैं। आगे बोलते हैं, अब ये कौन कह रहा है कि किसी शिष्य ने गुरु दक्षिणा में गौरी लंकेश को वही दे दिया जिसकी शिक्षा वामपंथी अपने शिष्यों को देते हैं, तो उनको कुतिया कहा जा रहा है, उनको उनको बुरहान वानी के साथ उनकी तुलना की जा रही है। और ये सब जो सब हैंडल है वो पीएम मोदी खुद ट्विटर पे फॉलो करते हैं और पीएम मोदी के अलावा बाकी सब मिनिस्टर भी फॉलो करते हैं। जैसे निखिल दढ़िच को गिरिराज सिंह फॉलो करते हैं, आशीष मिश्रा को रविशंकर प्रसाद फॉलो करते हैं। वापस निखिल दढ़िच की फोटो भी है स्मृति ईरानी के साथ और अलग अलग बीजेपी के वरिष्ठ पॉलिटिशियंस के साथ। तो अभी पीएम इन लोगों को क्यों फॉलो करते हैं, और अगर फॉलो भी करते हैं तो उनको जब पता है कि ये सब बात कही गई और कई लोगों ने ट्विटर पे उनको टैग किया है कि पीएम आप इन लोगों को फॉलो कर रहे हैं और ये गाली गलौज कर रहे हैं ट्विटर पे, बुरा भला कह रहे हैं और जो कोई मर गया उसके बारे में बुरा भला कह रहे हैं। फिर भी 24 घंटे हो गए करीबन मगर पीएम उनको अभी भी फॉलो कर रहे हैं। वैसे तो अगर नीतीश कुमार जी रेजिग्नेशन दे देते हैं या आपकी रैली में गजेंद्र सिंह की मौत हो जाती है तो पीएम तो झट से ट्वीट कर देते हैं, मगर जब ये लोग गाली गलौज करते हैं जिन लोगों को वो खुद फॉलो करते तो भी अभी तक उनको अनफॉलो नहीं किया, किसी को कुतिया कहा जा रहा है तो भी पीएम अनफॉलो नहीं करते। गाली गलौज और जहर तो अभी भी उगला जा रहा है, मगर इसके साथ एक और नया तरीका अपना लिया गया है गौरी लंकेश का कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए। अब ये दावा किया जा रहा है कि गौरी लंकेश ईसाई धर्म यानी कि क्रिश्चियनिटी में मानती थी और ये मीडिया लोगों से ये बात छुपा रही है, उनका असली नाम गौरी लंकेश पैट्रिक था। वैसे आदमी किस धर्म का पालन करता है उससे क्या आदमी बुरा या भला हो जाता है क्या, चाहे वो मुस्लिम हो, ईसाई हो या सिख हो। लेकिन कुछ लोग हैं जो लोगों की तुलना धर्म के तराजू से करते हैं और तभी ये फेक पोस्ट वायरल किया जा रहा है। इस पोस्ट में लिखा जा रहा है, आखिर गौरी लंकेश का पूरा नाम मीडिया ने क्यों छुपाया? गौरी लंकेश का पूरा नाम गौरी लंकेश पैट्रिक है जो एक ईसाई है। इसके मरने के बाद इसे ईसाई कब्रिस्तान में दफनाया गया। मीडिया ने इसका पूरा नाम इसलिए छुपाया जिससे लोगों को पता नहीं चले कि ये एक कट्टर ईसाई थी, इसलिए हिंदुत्व का विरोध करती थी। इस विरोध के लिए इसे मिशनरी से फंड मिला था, उसी फंड से ये पैम्फलेट संघ भाजपा के विरोध में निकालती थी और अपने प्रभु यीशु को खुश करने के लिए। तो अभी ये पोस्ट वायरल किया जा रहा है, कितना वायरल है हर मिनट चल रहा है। ये 1 मिनट पहले पोस्ट हुआ, 5 मिनट पहले पोस्ट हुआ और वापस 5 मिनट पहले, 6 मिनट पहले, और ये सब तो सिर्फ पब्लिक, जो पब्लिक में शेयर हुआ है। जो प्राइवेटली शेयर हुआ है वो तो और भी काफी होगा। और ये पूरा व्हाट्सएप के माध्यम से फैलाया जा रहा है, उसमें से कुछ कुछ पोस्ट फेसबुक पे आ रहा है, तो आप समझ सकते होंगे कि कितना वायरल हुआ है। मगर अभी ये पैट्रिक नाम कहां से आया, आप सुनोगे तो हंस पड़ोगे। ये जो पैट्रिक नाम आया है वो एक्चुअली गौरी लंकेश के पिता ने एक न्यूज़पेपर, एक अखबार चालू किया था जो साप्ताहिक अखबार था, वीकली न्यूज़पेपर था, और उसका नाम था लंकेश पत्रिके। पत्रिके मतलब पत्रिके कनाडा में होता है और हिंदी में पत्रिका होता है, मतलब पत्रिके मतलब अखबार। अब उस पत्रिके को पैट्रिक कर दिया गया है और ये चला रहे हैं लोग कि उनका नाम गौरी लंकेश पैट्रिक है। सच तो यह है कि गौरी लंकेश किसी धर्म में नहीं मानती थी।
मगर उनको गौरी लंकेश पैट्रिक बना के एक झूठ फैलाया जा रहा है। थैंक यू प्रतीक सिन्हा।